हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने फिर से आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देने के लिए। जैसे कि आप लोग बोल भी रहे थे कि कुछ दिनों से मैंने आप लोगों के कमेंट्स के जवाब नहीं दिए हैं, आई मीन रिप्लाई नहीं किए हैं, तो मैं आज आप लोगों के सामने आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दूंगी। तो बस मैं बता देती हूँ आप लोगों के कमेंट्स के जवाब। तो सबसे पहले आते हैं हम खान इरम जी ने किया है एक कमेंट, तो उसका जवाब मैं दे देती हूँ आप लोगों को कि अब सानिया का चैनल आने वाला है क्या, मेरा दिल डर रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सानिया अभी छोटी बच्ची है, अभी हम लोग थोड़ी ना उसको ब्लॉगिंग कराना सिखाएंगे। तो बस अभी उसका मन होता है तभी वो मोबाइल उठा के कर लेती है, क्योंकि उसके घर में देखो उसकी मम्मी करती हैं ब्लॉगिंग और मैं हूँ यहाँ पे, आती है अपने नाना नानी के यहाँ पे, तो उसकी दोनों मोमानियाँ ब्लॉगिंग करती हैं। तो बच्चे हैं, बच्चे तो घर में जो होता है वो देख के सीखते हैं, तो बस उसका मन होता है कि मैं वो भी ब्लॉगर बने, तो इसलिए वो भी ऐसे ही मोबाइल उठा के थोड़ा सा बोलने लग जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसे बड़ा होकर ब्लॉगर ही बनाएंगे, उसको जो मर्जी होगी वो खुद बन जाएगी पढ़ लिख कर, है ना। तो बस सानिया ब्लॉगर नहीं बनेगी, सानिया ब्लॉगर बनेगी। अच्छा, सानिया से आप लोग खुद पूछ सकते हैं, सानिया अभी मेरे पास में ही बैठी हुई है, तो सानिया आप लोगों को खुद बताएगी कि बड़े होकर वो क्या बनेगी। तो सानिया आओ, सानिया बताओ क्या बनोगी बड़े होकर? हमारे पापा ही चूज करेंगे कि हम क्या बने। पापा चूज करेंगे, हम तो चाहते हैं कि आप ब्लॉगर बने, एकदम बुजुर्ग मोहन जैसे। लेकिन नहीं, आपको तो पढ़ाई करनी है अभी, है ना? अभी तो मैं पढ़ाई की हमारे। और एक और कमेंट्स की साइड चलते हैं। अहमद सईद जी बोल रहे हैं दोनों सूट एक ही कलर में हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग सोचेंगे कि मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों को दोनों सूट एक साथ बताए हैं, क्योंकि मैं बता देती हूँ, हम लोग शॉपिंग करने जिस टाइम पे गए थे ना, उस टाइम पे सीमा बाजी का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था कि मेरे लिए प्लाजो सूट ले लेना, तो उन्होंने ही वीडियो कॉलिंग करके वो कलर चूज़ किया था, तो हम लोग उनके लिए लेकर आए थे वो वाला सूट, प्लाजो सूट। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने लिए ख़रीदा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ अपने लिए वही ब्लू वाला सूट ख़रीदा था जिसमें गोल्डन वर्क था, जो मैंने ईद पर भी पहना था, बस वही वाला मेरा था। बाकी जो ब्लू प्लाजो सूट था वो सब सीमा बाजी का था, क्योंकि उन्होंने ही पसंद किया था वो सूट। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इनको बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं उसे, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और है ज़ैबा सिद्दीकी जी, हैप्पी बर्थडे इनू, यू आर सो क्यूट बेबी, अल्लाह तुम्हें सारी खुशियाँ दे, एंड आप सबको ईद उल अदा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको भी ईद उल अदा बहुत बहुत मुबारक हो ज़ैबा सिद्दीकी जी। और आप लोगों ने इनको बहुत सारा प्यार दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है। और एक और कमेंट के साइड चलते हैं। तो ये हैं नीलोफर फारूकी जी, फुप्पी कितनी स्वीट हैं, आई लव यू फुप्पी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। तो फुप्पी हैं ही हमारी इतनी प्यारी, जो सबके दिलों में उतर जाती हैं, इसी तरीके से सभी लोगों के दिल में उतर जाती हैं फुप्पी, हमारी बहुत ज़्यादा हंसमुख हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उनसे ज़्यादा कोई भी अच्छा नहीं है शायद, लेकिन हमारी फुप्पी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और एक नेक्स्ट कमेंट की साइड चलते हैं। तो ये हैं जोहा कुद्दूसी, तो इन्होंने बोला है वैसे आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है, यू आर सो क्यूट, तो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट कमेंट की साइड में चलते हैं। तो ये हैं अंसारी अरूबा जी, तो अस्सलामु अलैकुम बुलबुल। तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आपकी शादी की वीडियो हमने देखी है, पर आप एक बार और दिखा दो, आपने और अपने हबी के साथ आपकी फीलिंग क्या थी शादी के टाइम, ये जानना चाहते हैं। ये हमारी शादी के टाइम की फीलिंग जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को किसी दिन अच्छे से बैठ के आप लोगों को बताऊंगी कि शादी वाले दिन क्या फीलिंग होती है एक लड़की के दिल में। तो बस ये, और वीडियो तो आप लोगों ने देख ही ली हमारी शादी की, आई थिंक सारी वीडियोज़ देखी होंगी, बस मेरी साइड वाली वीडियो नहीं दिखी होगी, तो मैं अभी अपने मायके जाऊंगी, तो मैं वहां से कुछ वीडियो क्लिप लेकर आऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की साइड। तो ये हैं अब्दुल हादी खान जी, तो ये बोल रहे हैं बुलबुल आप सारे दिन अपनी ज्वेलरी और अपने सूट ही दिखाती रहती हो, और कुछ और हमेशा आसिफा बाजी ही काम करती हैं, आप उनकी काम में हेल्प कर दीजिए करें।
तो मैं आप लोगों आपको बता देती हूँ कि मैं भी काम करती हूँ उनके साथ में। अगर वो सुबह का खाना बनाती हैं तो मैं शाम का बनाती हूँ, तो ऐसे ही हम लोग मिल बाँट के काम कर लेते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग हमेशा से ही मिल बाँट के काम कर लेते हैं, तो आप लोग चिंता ना करें। तो आप लोग ये ज़रूरी ना समझें कि मैं हर टाइम अपनी वीडियो को शूट करूं, फिर आप लोग ये बोलेंगे कि मैं दिखावा कर रही हूं इसलिए मैं काम अपना दिखा रही हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग दोनों मिल बाँट के काम कर लेते हैं। तो एक और कमेंट मैं आप लोगों को बता देती हूं, वो मैंने सेव नहीं कर पाया है लेकिन मेरे माइंड में अभी भी है। वो ये था कि आप आशिफा बाजी और आपके बीच में क्या बिहेवियर है, मतलब मेरा बिहेवियर कैसा है उनके प्रति। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, हम लोग जेठानी और देवरानी की तरह बिल्कुल नहीं रहते हैं, हम दोनों एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा आशिफ बाबा जी की एक वीडियो में जिसमें उन्होंने मुझे फ्रेंडशिप बैंड पहनाया था। तो फ्रेंडशिप बैंड का मतलब वही होता है, देवरानी और जेठानी के बीच में दोस्ती, तो हम लोगों के बीच में वही दोस्ती है और हम लोग बहुत ही प्यार के साथ में रहते हैं। अब चलते हैं लास्ट कमेंट की साइड। तो वो आया था मेरे सासू माँ के ऊपर, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो कमेंट था कि मेरी सासू माँ घमंडी है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी सासू माँ बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, वो हम दोनों बहुओं को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, अपनी बेटियों की तरह रखती हैं वो हमें, और बिल्कुल भी हमें फील नहीं कराती है कि हम यहाँ की बहू हैं। और सारी फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल भी घमंडी नहीं है कोई भी, और बहुत ज़्यादा मुझे और आशा बाबा जी को बहुत ज़्यादा सभी लोग प्यार करते हैं और एकदम लड़कियों की तरह रखती हैं वो हमें, बिल्कुल भी बहुओं की तरह फील नहीं कराती हैं कि जैसे हम लोग यहाँ के बहू हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये आ गई है हमारी इन्नू। हेलो, अस्सलामुअलैकुम इन्नू। इन्नू सभी लोगों को बहुत मारती है और इन्नू अपने हाथों से धीरे धीरे देखो फिर से स्टार्ट इन्नू का। हेलो कर रही है इन्नू, हेलो। और अब देखो ये चल रही है इन्नू की पढ़ाई। तो इन्नू देख रही है ये बुक, ये आलिया की बुक रखी हुई है सारी, इन्नू देख रही है। और इन्नू की पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो गई है। वैसे इन्नू डेली अपने बुक्स को उठाकर देखती हैं, तो डेली इन्नू पढ़ती हैं और हमेशा से ये ऐसी बस बुक खोल के बैठ जाती हैं और बस देखती रहती हैं गौर से, जैसे इनको सब कुछ पता हो। इन्नू आ, छोटा आ, इन्नू आ। ये देखो इन्नू ने बोला आ। अभी सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर पे और हमारी सायना वर्ज कल ही चली गई थी, कल दोपहर में चली गई थी वो। और अभी गुलाबजा और जिशान और सभी लोग जा रहे हैं, हमारी पप्पी भी जा रही हैं। मैं जा रही हूँ अपने घर पर, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो फिर मिलते हैं घर पे। बाय टाटा।
तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।